समय सरकार में डिप्टी सीएम थे, 6-6 विभाग लेके बैठे हुए थे, उस समय उनको अपराध नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था। राम राम जी, सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। ये पूरी तरह मंगल राज है और ये एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार का मतलब राम राज होता है। रोहिणी आचार्या चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है, प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं, परिवारवाद का पराकाष्ठा है ये लोग। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बताया कि वो चुनाव हार गई हैं और चुनाव हारने के बाद वो सिंगापुर यात्रा पर चली गईं। रोहिणी आचार्य प्रवासी पक्षी की तरह हैं। चुनाव हारने के बाद भी अगर पार्टी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजेगी तो ये उनका सवाल है। आरजेडी के लोगों से पूछिए, आरजेडी पूरी परिवार की पार्टी है और जनता सब जानती है। किनको वो राज्यसभा भेजेंगे, किनको विधानसभा भेजेंगे, वो लोग निर्णय लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस पर मंत्री नीरज कुमार सिंह ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहकर 6 विभाग के मंत्री रह चुके थे, उन्होंने 17 महीने में जितने भ्रष्टाचार लूट खसोट की है, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा है कि उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ये सुशासन की सरकार है, जो भी अपराधी घटनाएं होंगी उस पर अंकुश लगाया जाएगा और जो अपराध की घटनाएं करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस समय सरकार में डिप्टी सीएम थे, 6-6 विभाग लेके बैठे हुए थे, उस समय उनको अपराध नहीं दिखाई पड़ रहा था, अपराध उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था, रामराज दिखाई पड़ रहा था। अब जब रामराज की स्थिति बनी हुई है, अपराधी फरार हो गए, अपराधी जेल जा रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं, अब उनको अपराध दिखाई पड़ रहा है। वो याद नहीं उनको पीछे का जंगल राज, 90 के दशक का जंगल राज बोले याद करने के लिए। और जब 17 महीने का समय उनको मिला, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखे कि 17 महीने में कितने अपराध हुए और 17 महीने में कितने लूट हुए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में कह चुके हैं कि 17 महीने में जो लूट हुआ है विभाग में, उसकी जांच चल रही है और दोषी जो पाए जाएंगे, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े पदाधिकारी नेता कायन हो, वो जेल जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, सावधान हो जाइए, जांच आपके खिलाफ चल रहा है, जिस दिन जांच के लपेट में आइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, तब आपको नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ क्या होता है। जो 90 के दशक में जंगल राज पैदा किए थे, सारे जंगल राज का उपाय होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मंगल राज का जो है रंगनुमा कौन है, अगुआ कौन है, अपारिस कौन। ये पूरी तरह मंगल राज है और ये एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार का मतलब राम राज होता है, और छिटपुट घटना अगर घटती है तो अपराधी यहाँ जेल जाते हैं। वैसा शासन खत्म हो गया जब अपहरण होता था और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था, 1 करोड़ लेंगे कि 1.5 करोड़ लेंगे, वो समय चला गया। तेजस्वी जी, वो समय अब नहीं आने वाला है। आपको मलाल हो रहा है, जी से पानी टपक रहा है, सरकार से बाहर गए हैं, अब कभी सरकार में जनता आपको नहीं आने देंगी, अब तय मानिए। सर, दूसरा सवाल ये कि रोहिणी आचार्या लोकसभा चुनाव हार चुकी है और मीसा भारती लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, मीसा भारती के जगह पर क्या रोहिणी आचार्या राज्यसभा जाएंगी? ये सवाल तो उनके लिए है ना, उनका विभाग है, लेकिन रोहिणी आचार्या चुनाव हार गई है और वो फिर सिंगापुर की यात्रा पे निकल गई है। प्रवासी पक्षी की तरह लोग आते हैं, परिवारवाद का पराकाष्ठा है, ये लोग परिवारवाद का पराकाष्ठा किए हुए हैं और जनता हर चीज को देख रही है। बाकी किनको राज्यसभा भेजेंगे, किनको विधान परिषद भेजेंगे, ये उनका सवाल है, उनसे पूछिए। बता दें कि मंत्री नीरज कुमार सिंह ने गया के सर्किट हाउस में पीएचईडी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि गया जिले में पानी का संकट दूर होगा, गया के लोगों को हर हाल में पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे, सरकार इस पर काम कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।